लालची रोड कॉन्ट्रैक्टर। बदलापुर नाम के गांव में एक बिक्कू नाम का कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था। वो बहुत लालची और घमंडी था। उसके पास रोड रोलर, जेसीपी, क्रेन ऐसे कई सारे वस्तुएं हुआ करते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट का काम सही से ना करके गवर्नमेंट से बहुत सारे पैसे लिया करता था। एक दिन पंचायती ऑफिस, क्यों भाई बिक्कू, गांव में तुम्हारा बनाया रोड एक साल में ही खराब हो गया। देखा, लोग हम पर भड़क रहे हैं, तुम्हारा काम सही नहीं है, काफी सुना है इसके बारे में, ध्यान रहे। क्या सर, मुझे धमकी दे रहे हो? आप जैसे कई ऑफिसर देखे हैं, आपके दिए पैसों में क्या मार्बल का रोड बनाऊंगा? रोड बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं बस। मेरे काम के बारे में कुछ बात किया तो एक फोन लगाकर तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा, सोच लो। कहकर उन्हें वार्निंग देकर चला गया। एक बार उसका जेसीबी एक गवर्नमेंट ग्राउंड पर रुक गया। उसका ड्राइवर इंजन चेक कर, सर इसका इंजन बेल्ट बदलना है, कितनी बार कहा है आपको, लेकिन आप है कि सुनते ही नहीं, करीब 70,000 लगता है रिपेयर का, अब देखिए हमारा पूरा काम रुक गया है। बिक्कू उसे एक मार कर, तुम्हारी वजह से मेरा जेसीबी खराब हुआ है, तुम रफ ड्राइविंग करोगे और मैं रिपेयर कर रहा हूँ, चुपचाप अपने पैसों से रिपेयर करवाओ वरना तुम्हारी नौकरी गई। अबे मुझे ही मारोगे, तुम्हारी गाड़ी है तो मैं क्यों रिपेयर करवाऊं, और ये बेकार की नौकरी छोड़ने की कब से मैं सोच रहा था, छी, कहकर चला गया। इसकी वजह से जेसीबी ठहर गई। एक दिन बिक्कू के घर पोस्टमैन लेटर लेकर आया। उसमें लिखा था, अगर गांव के गवर्नमेंट ग्राउंड में ठहरी हुई जेसीबी को तुरंत नहीं निकाला तो तुम्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा, दस्तखत पंचायती ऑफिसर। वो लेटर लेकर गुस्से में ऑफिसर से मिलकर, ये क्या है सर, वो गाड़ी वहाँ खड़ी है तो किसी को क्या प्रॉब्लम है और मैं क्यों जुर्माना भरूं? मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और तुम्हें मुझसे ऐसे रोब दिखा के बात करने की जरूरत नहीं है। जिसे भी फोन मिलाना है मिला लो, गवर्नमेंट की जगह है, तुम्हारे बाप की नहीं कि कहीं भी पार्किंग करोगे। उस जेसीबी को कल शाम तक निकलवाओ वरना दिन का 10,000 रुपए भरना होगा। नाउ गेट आउट, कहा। निकलवा लूंगा सर, 10,000 रुपए भरने के लिए मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, देख लूंगा, आपको भी देख लूंगा मैं, कहकर चला गया। फिर एक मैकेनिक आकर जेसीबी की जांच कर, इसके बेल्ट खराब हो गए हैं सर, इसे अभी तुरंत नहीं ठीक कराया तो और पैसे लग सकते हैं, शहर लेकर जाने के लिए इसे 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन सिंपल रिपेयर करा के आपके घर तक ले जाना हो तो टेम्पररी काम के लिए 12,000 रुपए लगेगा, कहा। क्या, गाड़ी को सिर्फ घर तक लाने के लिए 12,000 रुपए? मेरे पास पैसों को झाड़ लगाए क्या? तुम्हारा और तुम्हारी कमाई के बारे में गांव में सबको पता है, इसलिए इतना पूछा, मेरा तुमसे कोई काम नहीं बनेगा, किसी और को देख लो, कहकर चला गया। फिर कुछ मजदूर से, इसे खींच कर ले जाने के लिए एक आदमी का 2,000 रुपए, आदमी का 100 दूंगा, काम करने वाले। क्या, आदमी का 100 रुपए लेकर अपने जेब में ही रख लो, तुम कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर चोरी करके पैसे ले सकते हो, हम पूछे तो देने को तैयार नहीं हो? अरे चलो भाई, यहाँ समय बर्बाद करना बेकार है, इस गांव में मेरे ऐसा ईमानदार इंसान है ही नहीं, इसे बाहर कैसे निकालना है मुझे अच्छे से पता है, सोचा। फिर वहां एक लॉरी आई, जेसीबी को लॉरी में लगवा कर आगे ले जाने वाली ही थी कि लॉरी वजन से वहां हवा में उड़ गई। बिक्कू घबराया, फिर लॉरी के साथ साथ जेसीबी वहीं दीवार पर लगकर गिर गई। ड्राइवर वहां से भाग निकला। फिर गांव के लोग, ऑफिसर, वहां सब आ गए। अबे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का नुकसान करने के कारण तुम्हें 1,00,000 का जुर्माना भरना होगा, और जो भागा ड्राइवर है ना, उसके पास लाइसेंस नहीं था, उसका भी पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि बिना लाइसेंस वाले ड्राइवर से काम करवाने का जुर्माना 50,000 रुपए होता है। चुपचाप पैसे भरकर यहाँ से निकल जाओ वरना दिन का 10,000 रुपए भरना पड़ेगा, याद है ना, कहा। ये सुनकर बिक्कू अपना सर पकड़ लिया। जेसीबी वर्सेस डीसीबी। प्रफुल्ल नाम के व्यक्ति को 2 जुड़वा बच्चे हुआ करते थे, किशोर, अभिषेक। बचपन से ही प्रफुल्ल उन दोनों को एक समान कपड़े पहनाता था, कूल फंक्शंस या शादियों में कहीं पर भी दोनों को एक ही कलर का ड्रेस पहनाता था। किशोर और अभिषेक भी हर काम मिलजुल कर ही किया करते थे। एक बार प्रफुल्ल साइकिल शॉप पर गया। प्रफुल्ल साइकिल शॉप के ओनर से, भाई ये साइकिल कितने की है? ये 3,500 की है जी, बहुत रेयर पीस है। ऐसा है तो ऐसे में 2 चाहिए। सॉरी सर, ऐसे में सिर्फ 1 ही मिलेगी, चाहो तो दूसरा कुछ और लीजिए। नहीं जी, मेरे 2 जुड़वा बच्चे हैं, उन दोनों को एक जैसे ही देखता हूँ। ठीक है सर, आपकी मर्जी। अभिषेक किशोर भी जहाँ भी जाते मिलकर जाते थे। कुछ सालों बाद प्रफुल्ल अभिषेक को
और किशोर को 2 जेसीबी खरीद कर दिया। बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर दोनों मिलकर रहोगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। किसी भी परिस्थिति में दोनों अलग मत होना। अभिषेक किशोर उस जेसीबी की मदद से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट का काम करने लगे। रेत उठाना, एक पत्थर तोड़ना तो दूसरा पत्थरों को उठाना, ऐसे काम अच्छे से करने लगे। इस तरह वे हर काम मिलकर ही किया करते थे। एक बार विक्की नाम का दादा जब उस गांव पर आया तो एक कॉन्ट्रैक्टर से, क्यों रे, बहुत कम समय में इतने सारे पैसे कमा लिए? मिल रहे कॉन्ट्रैक्ट्स को समय समय पर ही पूरा कर देते हो तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? तुम ही सारे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं क्यों बीच में से हटूं? मैं मेहनत कर रहा हूं, इसलिए कमा रहा हूं। दादा के पास खड़ा एक आदमी, भाई इस कॉन्ट्रैक्टर के पास वे दोनों जुड़वा बच्चे हैं, दोनों बहुत होशियार हैं, कोई भी काम मिलकर ही करते हैं। हाँ क्या, तो वो इसकी ताकत है, ठीक है, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन दादा उस गांव में आकर, सुनिए सुनिए, आज शाम जेसीबी वर्सेस जेसीबी की प्रतियोगिता होने वाली है, कोई भी भाग ले सकता है, कहते हुए सूचना दिलवाया। दादा का आदमी, भाई ये ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? पूछते ही दादा, अरे मूर्ख, ये दादा का गेम प्लेयर है। उस जमाने में ब्रिटिशर्स जो करते थे डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी है ये, अब उसी को मैं कर रहा हूँ। अभिषेक वो सूचना सुनकर, बढ़िया है बढ़िया है, जेसीबी वर्सेस जेसीबी की प्रतियोगिता है, हम भी भाग लेते हैं, सोचकर दोनों प्रतियोगिता में भाग लिए। वहाँ ग्राउंड में दादा प्रतियोगी को 2 टीम्स में बांटकर अभिषेक टीम, किशोर टीम कहकर उन दोनों को टीम कप्तान बनाया। तब दादा आकर अभिषेक से, देखो अभिषेक, मैंने तुम पर भरोसा करके इस पूरी टीम का कप्तान तुम्हें ही बनाया, किसी भी तरह तुम्हें ही कप जीतना होगा। मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत शुक्रिया जी, मैं जरूर कप जीतूंगा। दादा कुछ समय के बाद किशोर के पास आकर, किशोर मैंने तुम पर पूरा विश्वास किया और तुम्हारी कप्तानी पर भी मुझे पूरा यकीन है, किसी भी तरह तुम्हें ही कप जीतना होगा। डोंट वरी जी, कप तो जरूर मैं ही जीतूंगा, आप देखते रहिए। इस तरह अभिषेक किशोर जेसीबी पर चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। दोनों के बहुत कोशिश करने पर भी जेसीबी 1 इंच तक नहीं हिल रहा था। दादा तब क्या करना है सोचकर धीरे से अभिषेक के पास आकर, यस कम ऑन डू समथिंग, कहते हुए एंकरेज करने लगा। फिर अभिषेक को बिना नजर आए किशोर के पास जाकर, कम ऑन किशोर कुछ तो करो, कहते हुए उसे भी एंकरेज करने लगा। किशोर तब, अब ऐसे नहीं चलेगा, सोचकर अपने जेसीबी के एक्सेलरेटर को जोर से दबा दिया। अभिषेक का जेसीबी एक ही बार में पीछे हट गया। सब अभिषेक को देखकर हंसने लगे। तब अभिषेक, क्यों रे किशोर, मेरे ही जेसीबी को ढकोलोगे, अब देखो, कहकर अभिषेक गुस्से से वो भी जोर से एक्सेलरेटर दबाया। किशोर को भी गुस्सा आया और वे दोनों एक दूसरे को कठिन मुकाबला दिए। किशोर ने गुस्से से और ज्यादा एक्सेलरेट किया। एक समय के बाद अभिषेक का इंजन खराब हो गया। किशोर प्रतियोगिता जीत गया। अभिषेक शर्मिंदगी महसूस करते हुए वहां से चला गया। देखा रे मेरी होशियारी, ब्रिटिशर्स मामूली नहीं थे रे, कहकर वहां से चला गया। घर पर प्रफुल्ल को सब पता चला और प्रफुल्ल, बच्चों तुम दोनों राम लक्ष्मण के जैसे हो, राम जीतकर लक्ष्मण हार गया तो राम की भी हार हुई, वैसे ही लक्ष्मण जीतकर राम हार गया तो लक्ष्मण की भी हार हुई। तुम दोनों को कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है, एक बार सोचो। कहते ही दोनों को बात समझ आ गई और अगले दिन प्रतियोगिता में दोनों एक ही जेसीबी पर जाकर दादा से, इस बार प्रतियोगिता हम दोनों मिलकर ही आपके साथ करेंगे, कहते ही सारे लोग ताली मारने लगे। ट्विन ब्रदर्स वर्सेस दादा, ट्विन ब्रदर्स वर्सेस दादा, कहते हुए ताली बजाने लगे। ट्विन ब्रदर्स एक जेसीबी पर चढ़े और दादा दूसरे जेसीबी पर चढ़कर मुकाबला करने लगे। दादा को ट्विन ब्रदर्स मिलकर बुरी तरीके से हरा दिए। तब से अभिषेक किशोर कभी अलग नहीं हुए। जेसीबी। कई साल पहले उज्जैनी नाम के गांव में रंजित नाम का जेसीबी वाला हुआ करता था। आसपास के गांव में किसी के पास जेसीबी ना होने के कारण हर काम के लिए उसी का जेसीबी इस्तेमाल करते थे। एक बार रेत का ठेकेदार रंजित के पास आकर, रंजित सुनो, 2 दिन में रेत को शहर पहुंचना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, काम को कितना लगेगा पता? सर दिन का 1000 रुपए लगता है, लेकिन 2 दिन में रेत को पहुंचना है तो रात को भी काम करना पड़ेगा,
इसलिए 1800 और लगेंगे। कॉन्ट्रैक्टर के ठीके कहने पर रंजीत ने काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन काम करते वक्त रंजीत, ये कॉन्ट्रैक्टर मुझे 2 दिन का 6000 दे रहे हैं, तो लगता है इसके पास खूब पैसे हैं। सोचते हुए उसने काम को बीच में ही रोक दिया। अगले दिन कॉन्ट्रैक्टर रंजीत से, 2 दिन में काम पूरा क्यों नहीं हुआ? सर, मैंने 2 दिन से बिना सोए काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पूरा नहीं हुआ। मैंने आपकी तारीफ से पूरी कोशिश किया है, थोड़ी समय और दीजिए, बचा हुआ काम पूरा कर दूंगा। तब लाचार ठेकेदार ने रंजीत को और पैसे देकर बचा हुआ काम करवाया। रंजीत अपनी चालाकी की वजह से 10,000 रुपए कमा लिए। एक बार एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रंजीत के पास आकर, रंजीत, मेरा नाम विजय है, मैं शहर के एक सम्मानित कॉन्ट्रैक्टर हूँ। तुम्हारे इस गांव के पास एक बड़ा हॉस्पिटल बनाने वाला हूँ, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तुम चाहे तो मेरे पास काम कर सकते हैं। दिन को 1500 रुपए देगा और 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। 10 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है सर। कहते हुए कॉन्ट्रैक्टर को हाँ किया। अगले दिन अपने जेसीबी पर वो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए निकल गया। बीच में अपना जेसीबी रोककर रंजीत मन में, अब ये रोड से घुमाकर जाऊंगा तो 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इस जंगल से जाऊंगा तो 3 किलोमीटर में पहुंच जाऊंगा। पैसे और समय दोनों बच जाएंगे। सोचकर अपने जेसीबी से पेट तोड़ने लगा। इससे देख एक बूढ़ा वहां आकर पूछा, अरे पेट का क्यों काट रहे हो? अबे वो बुड्ढे, यहाँ से हट जाओ, मुझे बगल वाला गांव को जाना है। रोड से जाऊंगा तो बहुत समय बर्बाद होंगे, इसलिए अपना रास्ता खुद बना रहा हूँ। बेटा, स्वार्थ के लिए पेट काटना ठीक नहीं है। ये जंगल कई जानवरों का घर है, एक बार सोचो। अरे बुड्ढे, पता है मैं कौन हूँ? मेरे पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते है, चुपचाप हट जाओ, वरना मैं दूसरी तरफ से और पेट काटने लगूंगा, समझे? बूढ़ा लाचार होकर वहाँ से हट गया। रंजीत यूं ही पेट काटते गया। ये सब दूर से एक बंदर देख रहा था। अपने पेड़ और यादें को नाश होते देख बंदर को बहुत दुख हुआ। तब बंदर ने उसे सबक सिखाने की ठान ली। रंजीत पूरा दिन हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करके थक गया था, तो अपने जेसीबी को एक पेड़ के नीचे ठहरा कर सो गया। वो पेड़ पर बैठा बंदर तुरंत नीचे आकर जेसीबी को स्टार्ट किया। बंदर जेसीबी को लेकर जा ही रहा था, तभी रंजीत की आंख खुली और वो, चार चार पकड़ो, चार चार, चिल्लाते हुए जेसीबी के पीछे भागा। बंदर जेसीबी को पहाड़ के चट्टान पर ड्राइव करते हुए ले जाकर वहां से छोड़ दिया। जेसीबी वहां से नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। तब रंजीत बंदर से, ऐसा क्यों किया? मेरा जेसीबी का हाल ऐसा क्यों किया? क्यों? इतने सालों से जो मेरा घर था, मेरी यादें थी, मेरे पेट थे, उन्हें यूं नाश करते वक्त ख्याल नहीं आया? अपने स्वार्थ के लिए हमारे पेट को क्यों काटा? क्या वो पेट के बीच तुमने बोए कि यूं काटने लगे? ये उसी का नतीजा है, कहकर वहां से निकल गया। तो पेड़ और पौधे बचाइए, वो हमें बचाएंगे। मैजिकल जेसीबी, वो देवगढ़ नाम के पहाड़ी इलाका था। वहां पे रघु विशाल नाम के 2 दोस्त हुआ करते थे। रघु के पास एक जेसीबी और विशाल के पास 2 जेसीबी हुआ करते थे। दोनों जेसीबी की मदद से पहाड़ी पत्थरों को तोड़ के ट्रक में चढ़ाया करते थे। आज शाम खेत में तटबंध डालना है, थोड़ा मदद करोगे बेटा? अरे चाचा, ये भी कोई पूछने की बात है? जरूर करूंगा, कह के खेत में जाके तटबंध बनाने के लिए मदद किया। एक बार रघु को बुखार होने के कारण एक किसान आके विशाल से, बेटा विशाल, मेरा फसल को काटने का समय आ गया है, क्या तुम अपने जेसीबी से थोड़ी मदद करोगे? क्या हुआ, मदद करनी है? क्या तू मेरा सगा भाई है या चाचा है? मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? ऐसे फ्री सर्विस मैं नहीं करूंगा। तो फिर तुम अपने जेसीबी को भाड़े पे तो दो। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं व्यस्त हूं। वैसे चाराने और आठाने के लिए मैं मेरा जेसीबी भाड़े पे नहीं दूंगा। जाओ जाओ। छी, नीच इंसान, रघु की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तेरे पास आए, वरना तेरे पास भूल के भी नहीं आते, कह के चला गया। वो बातें सुनकर विशाल को गुस्सा आया।
अगले दिन विशाल रघु दोनों पहाड़ी पर्वत को मारते वक्त, ए रघु क्यों भाई इसकी उसकी मदद करके खुद की सेहत बिगाड़ रहा है, उसमें क्या है भाई, जहां तक हमें मुमकिन है दूसरों की मदद करना अच्छी बात है ना, तू नहीं बदलेगा रे, कहकर चला गया। एक बार अचानक रघु के जेसीबी काम करना बंद कर दिया। तब रघु, अरे क्या हुआ इसे, अब तक तो ठीक काम कर रहा था, कह के मरम्मत करने लगा। लाख कोशिश के बाद जेसीबी स्टार्ट ना होने के कारण रघु मन में, अभी तुरंत ये काम हो जानी चाहिए वरना कॉन्ट्रैक्टर साहब बुरा मानेंगे, सोचकर विशाल के पास जाकर, भाई विशाल मेरा जेसीबी खराब हो गया है, कल तक कॉन्ट्रैक्टर कहे मुताबिक उन पहाड़ी पत्थरों को तोड़ना होगा, नहीं तो हम गलत साबित होंगे। सॉरी मेरे भाई, मैं जेसीबी किसी को नहीं दूंगा, वैसे तुझे देने से तू इसको उसको देगा, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं तुझे नहीं दे सकता। वो बातें सुनकर रघु उदास होकर वहां से चला गया। क्या करना है समझ में ना आकर इधर उधर घूमने लगा। उतने में एक मुनीश्वर उस रास्ते से गुजर रहा था। रघु मुनीश्वर को देखकर प्रणाम किया। स्वामी, अचानक मेरा जेसीबी काम करना बंद कर दिया, मेरे ऊपर निर्भर हुए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मुझे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है स्वामी, कुछ ना कुछ हल कर दीजिए ना स्वामी। बेटा, तुम्हारी समस्या बहुत छोटी है, ये ले आज के बाद तेरा जेसीबी दुगना काम करेगा, कहके आशीर्वाद देके चला गया। घर में बैठकर विशाल, रघु का जेसीबी खराब हो गया, कल तक पहाड़ों के पत्थर तोड़ना असंभव है, कॉन्ट्रैक्टर उसे काम से निकाल देगा, बाद में पूरा प्रोजेक्ट मेरे ही हाथ आएंगे, कहके खुश होने लगा। अगले दिन आकर देखा तो रघु और कॉन्ट्रैक्टर दोनों आपस में बात कर रहे थे। रघु, सही टाइम पे अपना टारगेट पूरा किया, वेरी गुड। वो बातें सुनकर विशाल को कुछ समझ में नहीं आया। विशाल तब रघु के पास आके, क्या है रे ये माया, रात ही रात ये कैसे मुमकिन हुआ, सब कुछ ये मैजिकल जेसीबी की महिमा है, कहकर चला गया। तब से कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम बताता था रघु झट से वो काम पूरा कर देता था। कम दिनों में ही रघु बहुत पैसा कमाने लगा। विशाल उसकी तरक्की देखकर, ये रघु दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, सभी प्रोजेक्ट उसी को जा रहे, पहले उसके पास रहा जेसीबी को चुरा लेना होगा, सोचकर एक बड़ा कंटेनर लॉरी को लाकर जेसीबी को उसमें छुपा दिया। अगले दिन रघु जेसीबी ना दिखने पर इधर उधर ढूंढते हुए, अरे मेरा जेसीबी कहाँ गया, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, कहकर इधर उधर भटकने लगा। कितना ढूंढने पर भी नहीं मिलने के कारण वो पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट दिया। वहां पे SI, 24 घंटे में आपका जेसीबी आपके हवाले करेंगे सर, आप बेफिक्र हो जाइए। अगले दिन पुलिस जेसीबी टायर के निशान देख के और उसके बगल में रहे कंटेनर के निशान देख के, SI लगता है इस जेसीबी को कोई बड़े ट्रक में डालकर ले गए हैं, पहले हमारे चेक पोस्ट के पास तैनात पुलिस को फोन करके अगर कोई बड़ा ट्रक चेक पोस्ट के पास आ रहा है तो उसे रोकने के लिए बोलो। चेक पोस्ट के पास कंटेनर लॉरी आते समय SI ने रोक कर जब जांच किया तो वहां जेसीबी मिला। तब वो लॉरी ड्राइवर, साहब मुझे कुछ नहीं मालूम है साहब, वो विशाल साहब इस जेसीबी को गांव के बाहर किसी अनजान जगह पे छोड़ देने से 10,000 रुपए देने की बात किए थे, लालच में आकर ये सब किया साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है साहब। जानकारी हासिल करने के बाद SI विशाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेसीबी वर्सेस जेसीबी। प्रफुल्ल नाम के व्यक्ति को दो जुड़वा बच्चे हुआ करते थे, किशोर अभिषेक। बचपन से ही प्रफुल्ल उन दोनों को एक समान कपड़े पहनाता था, कूल फंक्शंस या शादियों में कहीं पर भी दोनों को एक ही कलर का ड्रेस पहनाता था। किशोर और अभिषेक भी हर काम मिलजुल कर ही किया करते थे। एक बार प्रफुल्ल साइकिल शॉप पर गया। प्रफुल्ल साइकिल शॉप के ओनर से, भाई ये साइकिल कितने की है, ये 3,500 की है जी, बहुत रेयर पीस है, ऐसा है तो ऐसे में दो चाहिए। सॉरी सर, ऐसे में सिर्फ एक ही मिलेगी, चाहो तो दूसरा कुछ और लीजिए। नहीं जी, मेरे दो जुड़वा बच्चे हैं, उन दोनों को एक जैसे ही देखता हूँ। ठीक है सर, आपकी मर्जी। अभिषेक किशोर भी जहाँ भी जाते मिलकर जाते थे। कुछ सालों बाद प्रफुल्ल अभिषेक को
और किशोर को 2 जेसीबी खरीद कर दिया। बच्चों, जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर दोनों मिलकर रहोगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। किसी भी परिस्थिति में दोनों अलग मत होना। अभिषेक किशोर उस जेसीबी की मदद से कई सारे कॉन्ट्रैक्ट का काम करने लगे। रेत उठाना, एक पत्थर तोड़ना तो दूसरा पत्थरों को उठाना, ऐसे काम अच्छे से करने लगे। इस तरह वे हर काम मिलकर ही किया करते थे। एक बार विक्की नाम का दादा जब उस गांव पर आया तो एक कॉन्ट्रैक्टर से, क्यों रे, बहुत कम समय में इतने सारे पैसे कमा लिए? मिल रहे कॉन्ट्रैक्ट्स को समय समय पर ही पूरा कर देते हो तो हम जैसे लोगों का क्या होगा? तुम ही सारे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं क्यों बीच में से हटूं? मैं मेहनत कर रहा हूं, इसलिए कमा रहा हूं। दादा के पास खड़ा एक आदमी, भाई इस कॉन्ट्रैक्टर के पास वे दोनों जुड़वा बच्चे हैं, दोनों बहुत होशियार हैं, कोई भी काम मिलकर ही करते हैं। हाँ क्या, तो वो इसकी ताकत है, ठीक है, कहकर वहाँ से चला गया। अगले दिन दादा उस गांव में आकर, सुनिए सुनिए, आज शाम जेसीबी वर्सेस जेसीबी की प्रतियोगिता होने वाली है, कोई भी भाग ले सकता है, कहते हुए सूचना दिलवाया। दादा का आदमी, भाई ये ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? पूछते ही दादा, अरे मूर्ख, ये दादा का गेम प्लेयर है। उस जमाने में ब्रिटिशर्स जो करते थे डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी है ये, अब उसी को मैं कर रहा हूँ। अभिषेक वो सूचना सुनकर, बढ़िया है बढ़िया है, जेसीबी वर्सेस जेसीबी की प्रतियोगिता है, हम भी भाग लेते हैं, सोचकर दोनों प्रतियोगिता में भाग लिए। वहाँ ग्राउंड में दादा प्रतियोगी को 2 टीम्स में बांटकर अभिषेक टीम, किशोर टीम कहकर उन दोनों को टीम कप्तान बनाया। तब दादा आकर अभिषेक से, देखो अभिषेक, मैंने तुम पर भरोसा करके इस पूरी टीम का कप्तान तुम्हें ही बनाया, किसी भी तरह तुम्हें ही कप जीतना होगा। मुझ पर भरोसा करने के लिए बहुत शुक्रिया जी, मैं जरूर कप जीतूंगा। दादा कुछ समय के बाद किशोर के पास आकर, किशोर मैंने तुम पर पूरा विश्वास किया और तुम्हारी कप्तानी पर भी मुझे पूरा यकीन है, किसी भी तरह तुम्हें ही कप जीतना होगा। डोंट वरी जी, कप तो जरूर मैं ही जीतूंगा, आप देखते रहिए। इस तरह अभिषेक किशोर जेसीबी पर चढ़कर प्रतियोगिता में भाग लेने लगे। दोनों के बहुत कोशिश करने पर भी जेसीबी 1 इंच तक नहीं हिल रहा था। दादा तब क्या करना है सोचकर धीरे से अभिषेक के पास आकर, यस कम ऑन डू समथिंग, कहते हुए एंकरेज करने लगा। फिर अभिषेक को बिना नजर आए किशोर के पास जाकर, कम ऑन किशोर कुछ तो करो, कहते हुए उसे भी एंकरेज करने लगा। किशोर तब, अब ऐसे नहीं चलेगा, सोचकर अपने जेसीबी के एक्सेलरेटर को जोर से दबा दिया। अभिषेक का जेसीबी एक ही बार में पीछे हट गया। सब अभिषेक को देखकर हंसने लगे। तब अभिषेक, क्यों रे किशोर, मेरे ही जेसीबी को ढकोलोगे, अब देखो, कहकर अभिषेक गुस्से से वो भी जोर से एक्सेलरेटर दबाया। किशोर को भी गुस्सा आया और वे दोनों एक दूसरे को कठिन मुकाबला दिए। किशोर ने गुस्से से और ज्यादा एक्सेलरेट किया। एक समय के बाद अभिषेक का इंजन खराब हो गया। किशोर प्रतियोगिता जीत गया। अभिषेक शर्मिंदगी महसूस करते हुए वहां से चला गया। देखा रे मेरी होशियारी, ब्रिटिशर्स मामूली नहीं ठहरे, कहकर वहां से चला गया। घर पर प्रफुल को सब पता चला और प्रफुल, बच्चों तुम दोनों राम लक्ष्मण के जैसे हो, राम जीतकर लक्ष्मण हार गया तो राम की भी हार हुई, वैसे ही लक्ष्मण जीतकर राम हार गया तो लक्ष्मण की भी हार हुई। तुम दोनों को कोई अलग करने की कोशिश कर रहा है, एक बार सोचो। कहते ही दोनों को बात समझ आ गई और अगले दिन प्रतियोगिता में दोनों एक ही जेसीबी पर जाकर दादा से, इस बार प्रतियोगिता हम दोनों मिलकर ही आपके साथ करेंगे, कहते ही सारे लोग ताली मारने लगे। ट्विन ब्रदर्स वर्सेस दादा कहते हुए ताली बजाने लगे। ट्विन ब्रदर्स एक जेसीबी पर चढ़े और दादा दूसरे जेसीबी पर चढ़कर मुकाबला करने लगे। दादा को ट्विन ब्रदर्स मिलकर बुरी तरीके से हरा दिए। तब से अभिषेक किशोर कभी अलग नहीं हुए।